guys, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my YouTube channel, that is Easy Learning with Munish Kumar. In previous lecture, we discussed about transistor characteristics as input and output. Now, today we discuss about transistor as a switch. देखिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ट्रांजिस्टर जो होता है वो स्विच की तरह किस तरह काम करता है. स्विच होता क्या है? स्विच एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी सर्किट की करंट को ऑन करने के लिए और ऑफ करने के लिए यूज होता है. बेसिकली आपने डायग्राम में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. डायग्राम वैसी की वैसी ही बनेगी जैसे पीछे डायग्राम थी. एनपीएन ही ट्रांजिस्टर, जैसे हमने पीछे ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए डायग्राम बनाई थी, उसी तरह से आप इसको भी रखेंगे. इज इट क्लियर? तो देखिए डायग्राम वैसी की वैसी है, बिल्कुल सेम डायग्राम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना. तो देखो बेसिकली क्या होता है, अब इस को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज करना पड़ेगा. स्विच के ऑपरेशन को समझने के लिए हमें एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज करना पड़ेगा. देखो जब आप जो है यहाँ वोल्टेज देंगे हम इनपुट की तरफ आउटपुट की तरफ, और आप सभी को ये भी पता है ये रीजन इनपुट रीजन है फॉरवर्ड बायसिंग में रहेगा, ये रीजन आउटपुट रीजन है बेटा रिवर्स बायसिंग में रहेगा, ठीक है ना. और यहाँ पर आपको पता है ना अमीटर और बेस के बीच में जो है आपका पोटेंशियल वीबीई जनरेट होगा वोल्ट मीटर वीबीई की वजह से, ठीक है ना. तो ये भी आपको पता है. और यहाँ पर वीसीई पोटेंशियल जनरेट होगा, ये भी आपको पता है. तो अब देखिए यहां पर लूप्स हम अप्लाई करेंगे. अब बेसिकली इस केवीएल यहां पर हम केसीएल अप्लाई नहीं करेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ नहीं. यहां पर देखो वोल्टेज है तो हमने यहां पर क्या करना है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का यूज करना है, मतलब कि केवीएल का, मतलब केवीएल, ठीक है ना. ये आपने सेकंड यूनिट में पढ़ा हुआ है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. अब देखो जब आप इनपुट सर्किट की बात करते हैं ना, इनपुट सर्किट ये है. अब देखो मैंने यहां पर कुछ सिंबल्स लगाए हुए हैं प्लस माइनस, ये आपको पता है किस तरह से होगी फॉरवर्ड बायसिंग में, तो पॉजिटिव टर्मिनल पी के साथ होगा. अब ये भी मैंने इसी तरह समझाने के लिए किया है कि ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल कहीं दूसरी साइड का है, जैसे जनरली बताया हुआ है इसको, ठीक है ना, जनरली रेजिस्टेंस को बताया हुआ है, ठीक है. तो अब जब आप यहां से चलेंगे, यहां से चलना शुरू करेंगे, तो वोल्टेज इस तरह इस लूप में जो है आप यहां तक जो है इसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे. अब देखो यहां से चलना किया वी बी बी. अब देखो जो सिंबल सबसे पहले आएगा, सिंबल कौन सा है सबसे पहले, माइनस का सिंबल है स्टार्टिंग में, तो यहां आएगा आपका माइनस वी बी बी. अब उसके बाद बेटा प्लस का है, अब यह आर बी है और आई बी है. आपको पता है वी होता है आपका किसके इक्वल, आई आर के इक्वल वी होता है आपका आई आर के इक्वल. तो आप लिख सकते हैं ना यहां पर आई बी और आर बी, आप लिख सकते हैं आई बी आर बी इसकी जगह, ठीक है ना. तो हम लिख सकते हैं, अब देखो प्लस का है तो प्लस आ जाएगा बेटा जी आई बी आर बी, आई बी आर बी, ठीक है ना. अब आगे चलें, यहां पर जब आएंगे आप वी पर, वोल्ट मीटर पर आएंगे, तो आपने पॉजिटिव निशान लेना क्योंकि पॉजिटिव ही है पहले, तो प्लस क्या आ जाएगा आपका वी बी ई आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका जीरो. अब यहां पर मैंने जो है नीचे बताया हुआ है कि जब ये आपका जीरो हो जाएगा इनपुट के लिए, और ध्यान रहे एक और पॉइंट यहां पर लिखा गया है कि जो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर होता है, सिलिकॉन का जो ट्रांजिस्टर होता है उसके लिए जो इनपुट होता है वीबीई होता है 0.6 से 0.7 वोल्ट के बीच में ही काम करता है. मतलब अगर 0.6 से कम होगी वोल्टेज तो वो काम नहीं करेगा. जब वो काम नहीं करेगा तो बेसिकली आई बी आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है ना. तो वो जीरो हो गया तो जब वो ऑफ मोड में चला जाएगा, अगर आपकी वोल्टेज 0.6 से कम है, अगर वी आई आपका क्या है लेस देन आपका 0.6 है,
तो ये आपका किस में चला जाएगा, ऑफ मोड में, ये फर्स्ट केस आता है, ठीक है ना, वो काम ही नहीं करेगा, करंट फ्लो ही नहीं करेगी, तो मतलब कि ऑफ ही मोड में होगा ना। और यही पॉइंट जो है यहाँ आगे लिखा गया है कि अगर वी आई इज लेस देन 0.6 तो आई भी आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब आपकी वोल्टेज ही जीरो है तो बेस करंट भी जीरो रहेगी। और अगर बेस करंट जीरो है और आपको पता है, आपने एक चीज पढ़ी है, एमिटर करंट इज इक्वल टू दी आई बी प्लस आई सी, तो आपको पता है आई बी आई सी के इक्वल होती है, प्रोपोर्शनल होती है, इक्वल तो नहीं बट प्रोपोर्शनल होती है। अगर आई बी ही जीरो हो गई तो आई सी भी कहाँ करंट जाएगी, तो आई सी भी जीरो हो जाएगा, तो आपकी आउटपुट वी सी सी ही रहेगी जितनी वहां पर है, ऑफ मोड में ही रहेगी, उसको बोला जाता है कट ऑफ स्टेट या इसको स्विच ऑफ स्टेट। तो केस वन मैंने देखो साथ में ही करवा दिया आपको। अब देखो ये जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आप वी बी बी को दूसरी तरफ लेके जाए माइनस को, तो क्या बनेगा, आई बी प्लस आई बी प्लस वी बी इज इक्वल टू वी बी बी, तो आप वी बी बी को लिख सकते हैं ना, वी बी बी इज इक्वल टू आई बी आर बी प्लस वी बी ई, जो वोल्टेज अक्रॉस थी किसके पोटेंशियल आया था अक्रॉस, आपका बेस और अमिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल वी बी ई आया था, तो वी बी बी को आप क्या लिख सकते हैं, वी इनपुट लिख सकते हैं, वी आई मतलब वी आई लिख सकते हैं ना यहाँ पर हम, तो आपकी जो वोल्टेज इनपुट आ गई वो आ गई आपकी ये फॉर्मूला आपका न्यूमेरिकल्स में यूज होगा इनपुट वोल्टेज के। अगर आप उसी तरह सिमिलरली अगर आप इस आउटपुट रीजन पर जो है केवीएल अप्लाई करें, तो देखो ये वेरिएबल है, एक तरह से हम इसको ना इनपुट ही मान सकते ना इसको आउटपुट ही मान सकते बेसिकली, क्यों, बिकॉज आउटपुट भी एक तरह से नहीं है, आउटपुट तो जो इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगी वो होगी आउटपुट, बाकी ये जो रीजन इस तरफ वीसीसी हमने लगाई है, वीसीसी हमने लगाई हुई है ना, ये तो वेरिएबल बैटरी है, मतलब हम आउटपुट की तरफ भी वोल्टेज दे रहे हैं, यहां पर वेरिएबल वोल्टेज लगाई है बैटरी आपकी, तो यहां से भी आप एडजस्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या होगा, करंट यहां से फ्लो होगी, पॉजिटिव से फ्लो होगी। आप सिंपली बात याद रखो ना कि एमिटर करंट इस तरह आई और इस तरफ चलने लगी, ठीक है ना, इस तरह से चलने लगी है, तो फिर इसी तरफ से फ्लो होगा ना, तो यहां से प्लस से चलने लगी, तो अब आप यहां देखे ना, जब आप इस रीजन पर आप क्या करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे, तो करंट किस तरफ फ्लो करेगा, इस तरफ फ्लो करेगा भाई साहब, ठीक है भाई अच्छी बात है, इस तरफ फ्लो करेगा, तो बेसिकली सबसे पहले क्या है, सिंबल देखिए माइनस का है यहां पर, तो क्या आ जाएगा, माइनस वी सी सी, उसके बाद सिंबल है बेटा प्लस का, तो प्लस क्या आ जाएगा, अब यहां पर आई सी आर सी है, तो V is equal to I R होता है, तो बेसिकली आप क्या लिखेंगे, प्लस आई सी आर सी, उसके बाद यहां पर भी प्लस आ जाएगा क्योंकि प्लस सिंबल है, प्लस आपका आ जाएगा वी सी ई, या इसको आप वी ओ भी लिख सकते हैं। तो देखिए आप नीचे देख सकते हैं आउटपुट में, तो माइनस वी सी सी प्लस आई सी आर सी प्लस वी सी ई इज इक्वल टू जीरो, तो आप इस वी सी सी को जो है दूसरी तरफ पलट के ले जाइए इस तरफ, तो प्लस का बन जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वी सी ई इज इक्वल टू दी, अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बेटा जी वी सी ई, ठीक है ना, तो आप इस आई सी आर सी को भी दूसरी तरफ पलट के लेके जाएंगे, जब ये प्लस का दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, ठीक है ना, तो आपके पास आ जाएगा वी सी ई इज इक्वल टू वी सी सी प्लस माइनस आई सी आर सी, ठीक है ना, तो आप वी सी ई को वी ओ वोल्टेज आउटपुट लिख सकते हैं वी ओ, तो आपके पास ये फॉर्मूला बन गया आउटपुट वोल्टेज के लिए। अब ध्यान रहे जब कलेक्टर करंट जीरो हो जाएगी, देखो ना अगर मान लीजिए फर्स्ट केस था कि अगर आउटपुट आपने 0.6 से कम दी है, ठीक है ना, कम दी है, तो बेसिकली आपका आई बी तो जीरो रहेगा, जब आई बी ही आपका जीरो होगा तो आगे कोई करंट फ्लो नहीं कर पाएगी, ठीक है ना,
आगे कोई करंट बेटा फ्लो ही नहीं करने वाली है, मीटर में भी कोई फ्लो नहीं करने वाली है, आउटपुट इसमें भी फ्लो नहीं करने वाली। जब यही आपकी फ्लो नहीं करेगी तो कलेक्टर रीजन की करंट भी जीरो रहेगी। ऑब्वियसली कलेक्टर रीजन की करंट जीरो रहेगी तो ये आपका आउटपुट भी जीरो रहेगा, ठीक है ना। अब देखो बेसिकली क्या होगा, सेकंड केस आता है कि अगर आउटपुट वी इनपुट, अगर जो इनपुट वोल्टेज है आपकी 0.6 से ज्यादा हो, ग्रेटर देन 0.6 या 0.6 हो, तो ऑब्वियसली उसमें करंट फ्लो करेगा बेटा। करंट फ्लो करेगा तो आई बी मतलब कि बेस करंट भी जनरेट होगी। आपको पता है बेस करंट आएगी तो आईसी कलेक्टर करंट भी आएगी। तो इस तरह से क्या होगा, आपने बेसिकली याद रखना है जैसे जैसे कलेक्टर करंट इंक्रीज करता है आउटपुट की वैल्यू डिक्रीज करती है। कलेक्टर करंट आपका इंक्रीज करेगा तो आउटपुट क्या निकलेगी, डिक्रीज होगी। मतलब कि जैसे जैसे आपने इनपुट इंक्रीज की वैसे वैसे क्या होगा, आउटपुट डिक्रीज करेगी। मतलब कि वोल्टेज करंट, जो वोल्टेज होगी आपकी आउटपुट वोल्टेज होगी वो ऑब्वियसली डिक्रीज ही होगी, ऑब्वियसली वो भाई साहब डिक्रीज ही होगी, होगी ना। अब देखो बेसिकली क्या होगा, जब आईसी इंक्रीज करेगा, आईसी इंक्रीज करेगा तो वीओ डिक्रीज करेगा आपका। तब तक वो डिक्रीज कर देगा जब तक वो वीआई आपका 1 वोल्ट तक ना पहुंच जाए। तो इसी स्टेट को आप बोलते हैं एक्टिव स्टेट, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है उसमें, करंट फ्लो कर रहा है ना, तो ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव स्टेट में रहेगा। तो नाउ सिचुएशन ये आती है कि अगर आईसी जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाता है, मतलब कि एक पीक वैल्यू तक, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया, 1 वोल्ट तक पहुंच गया, तो उसके बाद वोल्टेज क्या करना शुरू कर देती है, डिक्रीज करना शुरू कर देती है। डिक्रीज मतलब टुवर्ड्स जीरो, बट कभी भी जीरो नहीं होती, जीरो कभी नहीं होगी, जीरो की तरफ डिक्रीज करना शुरू करेगी बट जीरो नहीं होती। तो इसी स्टेट को आप सेचुरेशन स्टेट या इसको स्विच्ड ऑन स्टेट कहा जाता है। तो आपने देखा कि अगर आप लो इनपुट देंगे तो जो क्या होगा वो ऑफ हो जाएगा, अगर आप हाई इनपुट देंगे तो ज्यादा ऑन होगा। तो यही इंडिकेट करता है कि ट्रांजिस्टर आपका स्विच एक्ट करता है। ये देखो ये एक ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपको बताया गया, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो ये कर्व बनता है वी आउटपुट और वी इनपुट के बीच में, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए 0.6 वोल्टेज दे रखी है हमने, अगर हमने इसके पीछे दी थी, मान लीजिए 0 या 0.6 के बीच में थी, तो यहां पर ये स्टेबल रहा, कट ऑफ रीजन रहा, मतलब कि कोई भी आपका करंट फ्लो नहीं किया, स्ट्रेट रहा ये। और जैसे ही आपने क्या किया, आपको पता है जैसे ही आपने वी इनपुट बढ़ाई, अब V इनपुट आप बढ़ाएंगे तो V आउटपुट क्या करना शुरू कर देगी, डिक्रीज करना शुरू करेगी, डिक्रीज करना शुरू करेगी, और तब तक वो डिक्रीज होती रहेगी जब तक वो क्या नहीं पहुंच जाती 1 वोल्ट तक। तो इस रीजन को कहा जाता है एक्टिव रीजन, मतलब इस तरफ काम कर रही है। फिर जैसे ही 1 से ऊपर गई तो वो आ जाती है आपकी सेचुरेशन रीजन पर, मतलब 1 से वो 0 की तरफ मूव करना शुरू करती है बट कभी भी 0 नहीं होती। Is it clear? तो इसी तरह आपका ट्रांजिस्टर जो है स्विच की तरह ऑन ऑफ मोड में एक्ट करता है। सो गाइस, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक। एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर की बात करेंगे। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस।